सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां से मेरे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी वकील साहब मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। वकील साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, बयान आपके सुन रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर खबरें थी कि नाराजगियां बहुत चल रही है अलायंस के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी दंगल को लड़ना था वो वैसा हुआ नहीं। अब नताइज जैसे तैसे आए हैं सामने, लेकिन उसके बाद भी ऑल इज नॉट वेल। किस हद तक मैं इसको सही मानूं कि ऑल इज नॉट वेल और हर कोई मुतमइन नहीं है इससे? देखिए गवर साहब, मैंने जब से ये अलायंस वजूद में आई, मैंने कुछ सवाल उठाए अपनी पार्टी में। मुझे कुछ खदशात थे कि जो ये अलायंस है, पीपुल्स जो गुपकार अलायंस है, इसमें मुझे वो सिंसेरिटी और कमिटमेंट जो है वो नजर नहीं आई। मुझे लगा कि एक बार फिर यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने अपने चेयरमैन सजाद साहब को इन राइटिंग भी अपने खदशात का इजहार किया, और मेरे जो खदशात थे, और अगर जरूरत पड़े वो चिट्ठी भी मैं पब्लिक के सामने रखूंगा, वो खदशात दिन ब दिन सच निकल रहे। मतलब इलेक्शंस हुए, डीडीसी इलेक्शंस हुए, तो हमें ख्याल था मिलकर यूनाइटेडली इलेक्शन लड़ेंगे और जो फोर्सेस है, जो कमजोर फोर्सेस है, उनको कमजोर करेंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि हर अलायंस, खासकर जो बड़े अलायंस हैं, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए। हमें यह उम्मीद थी और होना भी वही था कि हम डीडीसी इलेक्शंस को वादी कश्मीर से स्वीप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे और सब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पर चुप कर बैठे हैं। कोई इस बात पर बात ही नहीं करता कि आखिर ये क्यों हुआ। तो इसी तरीके से मैंने ये खदशा भी इजहार किया था कि जो हमारा मकसद है, जो अलायंस है, इसका मकसद है कमजोर फोर्सेस को उभरने नहीं देना। तो सेंस थी अलायंस जम्मू में, तो सेंस थी। यहां मैंने पूछा, यहां किसके खिलाफ वादी में अलायंस, यहां कहां कमजोर फोर्सेस इतने मजबूत है? बल्कि इस अलायंस से वो फोर्सेस जो है और उनके जो अलायंस है वो ज्यादा आगे आए, उनको जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, नंबर दो पर आ गए, उनको तो मदद हो गया हमारे अलायंस से। लिहाजा इस तरीके से जो सवालात हैं पार्टी में उठे, और मैंने इस सिलसिले में अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश की, वो फौरी तौर इमीडिएटली एक कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाएं, साथियों की मीटिंग बुलाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें कि भाई आखिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें अपने साथ डुबा रहा है, कहीं जो बड़े बड़े हमारे अलाइज हैं उनके अपने परेशानियां हैं। गनी वकील साहब, गनी वकील साहब, दबे दबे अल्फाज में आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्या मैं ये मानूं कि जो बड़े पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से उस बड़े और जामिया मकसद को कुर्बान किया जा रहा है जो आप लोगों ने अवाम के सामने रखा था? क्या मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ सही? उस वक्त भी मैंने इस पर अपनी राय जनी की। मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आपका यूनाइटेडली मकसद है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, तो कुछ जामिया प्रोग्राम दीजिए। अगर आप ही यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, सब पार्टियां कहती हैं हम इंतजार करेंगे, तो ये जामिया प्रोग्राम अलायंस का और कुछ बताइए लोगों को। अगर उससे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई और प्रोग्राम है, प्रो पीपल प्रोग्राम है, लोगों के पास जाने का प्रोग्राम है, वो बताते नहीं है। बल्कि मुझे लग रहा है ये पावर गेम है और कुछ लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग गवर्नमेंट उन्होंने बहुत देर तक हुकूमतें की, उनसे मिस्टेक्स हुए हैं, मिसडीड्स हुए हैं, शायद वो अपने आप को मिलकर बचाना चाहते हैं। तो मैंने अपने चेयरमैन को कहा आप स्कैप गोट मत बने और इसमें आप सोच ले, पार्टी से मशवरा करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ए राय सुनी, ऐसा न हो कि हमारी पार्टी भी दूसरों के साथ डूब जाए। तो आपका यह मानना है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो हैंड इन ग्लव्स कहीं ना कहीं मरकज के अंदर है और उन्होंने उस तरीके से यह चुनावी दंगल लड़ा? मैं राजा साहब आपके पास दो मिनट में आ रहा हूं, बस गनी वकील साहब से एक सवाल पहले पूछ लें। जी थोड़ा ऊंची आवाज में, ठीक है वकील साहब, मेरा सवाल सीधे से, आप सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स बड़े दो ही हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनको लेकर बीजेपी पहले दिन से ही
अपने तेवर साफ कर चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी दंगलियां की हैं, चुनावी धांधलियां की है या दीगर मामला चलाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं वो तो अक्कासी उसी बात की हो रही है जो मरकजी लीडर दिल्ली और जम्मू के अंदर कह चुके हैं या श्रीनगर आते आते कह चुके हैं। देखिए, मरकजी लीडरशिप में एक बड़ी बदकिस्मती है, उनके जो बातों से वो रिवेंज नजर आ रहा है, वेनम नजर आ रहा है। जब कोई हुक्मरान हो उसमें रिवेंज और वेनम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें बदली की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर करप्शन के इल्जाम है लीडरों पर, उनके खिलाफ सबूत हैं, तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बिलीव्स इन एक्शन, मगर वो रिवेंज फ्री होनी चाहिए। लिहाजा जिस तरीके से जो मरकजी सरकार है, जिस तरीके से वो इन बातों को उठाते आई है, ऐसा लग रहा है उनके पास वेनम है, लेकिन वेनम नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को हक है बात करने का, बात सुनने का, लेकिन अगर वो कार्रवाई करें कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम अभी इतने इक्तदार में नहीं आए, हम क्यों किसी का अब उसको गलतियों को भी डिफेंड करें। अगर एलायंस इसके लिए है दूसरों के डिफेंस गलतियों को हम डिफेंस करें, मैं कहता हूं वो मौजूद भी नहीं है और मैं इससे मुतफिक भी नहीं हूं। तो कुल मिलाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये मान रही है कि जो अलायंस बना था, जिस चीज के लिए अलायंस को कायम किया गया था, वो अलायंस उस रूह में मौजूद नहीं है, बल्कि जाती मकासिद के लिए कुछ लीडर्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, मैं इस पर यकीन रखता हूं। देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो सिंसियरिटी, इट इज ए पावर गेम पॉलिटिक्स, नथिंग न्यू। बल्कि मेरा यह मानना है, बल्कि मैं अपने चेयरमैन साहब से भी, आपके माध्यम से भी गुजारिश करता हूं, मैंने उसे 2-3 मीटिंग की, राइटिंग भी खुद भी की, कि भाई हमें अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, वी मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द पीपल, दोज हु हैव डन इट इन द पास्ट दे आर अकाउंटेबल। एंड यू थिंक पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज नॉट अकाउंटेबल? पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो कहीं अभी पावर में, हमने क्या पावर देखा है? सजा साहब मिनिस्टर थे थोड़ी देर के लिए, तो उससे अकाउंटेबल नहीं। वन हु हैज बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चीफ मिनिस्टर, ये दोनों बड़े अलायंस हैं। चीफ मिनिस्टर रहे, एक ने 10-30 साल हुकूमत की, दूसरे भी 10-15 साल हुकूमत की, तो उनको तो जवाब दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बड़ी बात बताने के लिए कि जिस अलायंस का खदुखाल बनाया गया था, ये खदुखाल वो नहीं है, बल्कि इस्तेसाल किया गया है और इस्तेसाल हो रहा है। इसलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो एक बार फिर सोचे कि क्या उन्हें इसी पार्ट पे आगे बढ़ना है या कुछ और रास्ता भी एडॉप्ट